joining me at this moment to start this uh, conversation around uh, what could have done who is responsible mr uh, priyanka uh, uh, kunugo he is the chairperson of the ncpcr the body which is responsible for the safety and protection of the children all across the country i spoke to him a short while back uh, and uh, i just want to in fact uh, play this out uh, for you ladies and gentlemen

जब इस तरीके से वही लोग बच्चों का शोषण करेंगे तो अपने आप में स्थिति बहुत गंभीर है और ये बताती है कि दिल्ली राज्य में सरकार की बच्चों के संरक्षण की स्थिति कितनी दयनीय है इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोविड में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो धोखा किया है उसके परिणाम ये सामने आए हैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि ऐसे सभी बच्चे जो कोविड के दौरान इस प्रकार से प्रभावित हुए हैं कि उनके माता पिता की या माता पिता में से एक की मृत्यु हुई उन्हें मदद की जरूरत है उनकी जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बाल स्वराज पोर्टल पे अपलोड करने के माध्यम से दी जानी चाहिए लेकिन इन्होंने इस बच्चे की जानकारी अपलोड नहीं करी और एक अथॉरिटी जिसके पास ये दायित्व था उसने उस जानकारी का दुरुपयोग किया बच्चे को घर ले गया यौन शोषण किया तो बच्चे का बयान अपने आप में ये बताता है कि उसके साथ एक ऐसे व्यक्ति ने दुराचार किया जिसकी जिम्मेदारी थी बच्चे की रक्षा करना इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि दिल्ली राज्य सरकार ने जो उसके स्टेट कमीशन्स हैं चाहे वो चाइल्ड कमीशन हो चाहे वो वुमेन कमीशन हो इनमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं किया हुआ है कानूनों की ये लोग अवहेलना करते हैं भाई तो एक पॉक्सो एक्ट का प्रोविजन है कि बाल कल्याण समिति के पास एफ की कॉपी जानी चाहिए और बाल कल्याण समिति इसमें कार्रवाई करेगी पर इस मामले में बाल कल्याण समिति अभी तक गई ही नहीं है भाई दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि बाल कल्याण समिति उनकी किस प्रकार से काम कर रही है जिनका प्राइमरी ड्यूटी थी वहां जाना बच्चे को सपोर्ट पर्सन देना बच्चे को लीगल एड एड उन्होंने किया ही नहीं है काम और तमाशे कर रहे हैं दुनिया भर में इसकी कोई जरूरत नहीं है जबकि यू से फादर डाइडिस बट आई वॉन्ट टू आस्क्रम्पोर्टेंट एंड लार्जर क्वेश्चन ऑन दिस जो खबर मिली है कि 2007 में इस बच्ची को अडोप्ट किया गया था तो क्या कुछ नॉर्म्स हमारे पास होते हैं किसी को अगर अडॉप्ट कर लिया जाए किसी बच्चे को उसके बाद क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस कोई सर्विलेंस होती है आपकी बॉडी की तरफ से हाँ और यही 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 जो यही जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड है ये इन्हीं अधिकारियों का दायित्व है कि यह सब फॉलोअप ठीक ठीक हो अब एडोप्शन इसका किस प्रकार हुआ किस प्रोसेस से हुआ कैसे हुआ वो सब फर्दर मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है जो हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो उसमें इन सब चीजों का उल्लेख किया जाएगा तो इसके प्रोविजन क्या होते हैं सर मैंडेट क्या होता है हाँ किशोर न्याय अधिनियम ये इसी इसी एंड इसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है जिसके अधिकारी ने बच्चे को रेप किया है ठीक है जिम्मेदारी इनकी होती है लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये किस क्या क्या आपके पास सेफ्टी मैकेनिज्म क्या होते हैं ऐसे अडॉप्टेड बच्चों के लिए गाइडलाइंस तो आप तय करते होंगे ना जो विनाइल जस्टिस एक्ट में पूरा प्रावधान है आप उसको देख सकते हैं आपकी रिसर्च टीम को बोलिए कि पढ़ के आपको बताए जिससे कि आप दर्शकों को बता सकें कि किस प्रकार का एक बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसमें जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होती है कि वो बच्चों का फॉलोअप करे रिपोर्ट सबमिट करें सर हम तो उसको देख लेंगे लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या क्योंकि आप बॉडी के हेड हैं कि उस पर क्या प्रोविजन होते हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की होती है अल्टीमेटली आप उस कमीशन के हेड हैं जिसकी जिम्मेदारी है इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कराने की आपको नहीं लगता कि आपका भी कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है इसमें कर रहे हैं हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं हम हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं दैट वॉज द लास्ट वर्ड्स दैट मिस्टर कनूगो इनफैक्ट हैड टू से टू अस